इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ सांख्यिकी चैप्टर के बारे में, एनसीईआरटी क्लास 10। आइए समझते हैं सांख्यिकी किस तरह से करते हैं, इनके प्रश्नों को देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय श्री नंद। बिना किसी भूमिका के मैं सांख्यिकी के प्रश्नों के बारे में, फॉर्मूलों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। सांख्यिकी में सबसे पहले हम माध्य को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माध्य को सॉल्व करने के लिए हमारी तीन विधियां हैं। हल करने की तीन विधि, नंबर एक विधि है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य को कैसे निकालेंगे, दूसरा मेथड है हमारा कल्पित माध्य विधि। दूसरा मेथड है कल्पित माध्य विधि, इसमें x बार बराबर समेशन a प्लस समेशन एफ आई डी आई बट्टे समेशन एफ आई, और तीसरा है पग विचलन विधि। x बार बराबर a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन गुणा एच, ठीक है। ये हमारी माध्य को हल करने के तीन विधियां हैं, इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आपके सामने ये है, अब x बार यहाँ पर, जहाँ x बार आपका समांतर माध्य बोलते हैं, एफ आई आपका बारंबारता है, एक्स आई यहाँ पर मध्य बिंदु है, ठीक है, और समेशन इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेयर जहाँ एक्स बार माध्य है, ठीक है, एफ आई आपका बारंबारता है यानी संख्या, एक्स आई आपका मध्य बिंदु है, ठीक है, एच आपका, ए आपका, सॉरी यहां पर ये बताऊंगा, ए आपका कल्पित माध्य है, ठीक है, और इसका मतलब होता है सभी संख्या का योग, ठीक है। चलिए और चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है एक्सरसाइज 14, ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 14.1 पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 ग्रहों में लगे पौधों के आंकड़े को एकत्रित किया है। मतलब प्रश्न है एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधे, 20 घरों में लगे पौधों के आंकड़े एकत्रित किए हैं, ठीक है, एकत्रित किए हैं,
अब यहाँ पर जो आंकड़े हैं ये क्वेश्चन में इस तरीके से है, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ पौधों की संख्या। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ एक मैं रो खींच दे रहा हूँ और दूसरा है घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 1 2 1, 1 2 1, 5 6 2 3। ठीक, अब यहाँ पर आप प्रश्न को समझ लीजिए। एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों के आंकड़े एकत्रित किए हैं। पौधों की संख्या 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14। इसे हम CI बोलते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, क्लास इंटरवल। और ये घरों की संख्या है, इसे हम FI बोलते हैं। ठीक है, मैंने बारम्बार तो बोला FI। तो सबसे पहले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न को सॉल्व करते समय सबसे पहले इन चीज़ों को देखेंगे। ये बारंबारता है, बारंबारता के प्रश्न को इसी तरह से हल करेंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। अगर बारंबारता उसमें दी है तो उसको इसी तरह से हल करते हैं। जैसे 0 से 2, अब इसमें एक फॉर्मूला मैंने बताना यहाँ भूल गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। इसका फॉर्मूला होता है उच्च लिमिट निम्न लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों को जोड़ते हैं और नीचे भाग लगा देते हैं। मैं यहाँ अब लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ CI, क्लास इंटरवल बोलते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, अपॉन 2, इन दोनों को जोड़कर जो संख्या आएगी वो यहाँ लिखी जाएगी XI, इसे मध्य बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 0 2, सबके बीच में 2 का फर्क है। इसको और इसको जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ते हैं, 2 होता है, 2 में 2 का भाग लगाते हैं तो 1 आता है। ठीक है, ऐसा करो 4 और 2 6, 6 का आधा 3, तो 3। अब यहाँ पर सब में अगर मैं 1 जोड़ता जाऊँ तो मेरा हिसाब बन जाएगा 5, इसमें भी 1 जोड़ दो 7, इसमें भी 1 जोड़ दो 9, इसमें भी 1 जोड़ दो 11, इसमें भी 1 जोड़ दो 13। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और घरों की संख्या ये होती है FI। ठीक है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, FI और XI का। इनका हम गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा देखें। 1 और 1, 1 × 1 बराबर 1, 2 × 3 इक्वल 6, 1 × 5 इक्वल 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 और 13 × 3। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 5 12, 12 और 5 17, 4 21 तो 23, 23 और 9 32, कैरी 3, 3 और 3 6, 6 5 11 तो 13 और 3 16। यानी इसकी वैल्यू आ गई समेशन FI XI। इसे हम सिग्मा बोलते हैं, यानी सभी पदों का योगफल, जो मैंने यहाँ लिखा है सभी संख्याओं का योग, इसे सिग्मा बोलते हैं हिंदी में। इसको भी जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20 की 0 20 ही है टोटल। यहाँ लिखेंगे समेशन FI। ठीक है, और ये पहले वाले फॉर्मूला लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्यक्ष विधि से माध्य को निकालेंगे, एक्स बार बराबर समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 162 अपॉन 20। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 एकम पर मैंने 81/10, यानी यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, 81/10 आ गया, 10 का भाग लगाया 8.1। ठीक है,
या माध्य इस पूरे 20 घरों में 8.1 आया है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को जरूर हमारे सामने प्रस्तुत करें। और देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।